डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं देश की प्रगति में विश्वास नहीं करता हूँ। यहाँ पर बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि वे देहात से आते हैं, लेकिन मैं यह देखता हूं कि वे संसद में आकर देहात को भूल जाते हैं। सवाल यह है कि जब कभी हम देहात की बात करते हैं तो कहते हैं कि महाराजाओं को हटा दो, जमींदारों को हटा दो, लेकिन इस प्रकार की बातों पर जोर देते रहते हैं कि संसद सदस्यों के लिए हर किस्म की सुविधाएं होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, कल आपके सामने यह भी सवाल उठाया गया था कि हमारे देश में अनाज की कमी है, इसलिए दूसरे मुल्कों से अनाज मंगाया जाना चाहिए। यह बड़े खेद की बात है कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमें दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़े। मेरे विचार में यह बात सही नहीं है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि इस देश में कोई ऐसे व्यक्ति हो जो बिना काम किए ही दूसरों की बराबरी कर सके। यह ठीक है कि हमें कमजोर लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन प्रोत्साहन देने का मतलब यह नहीं है कि चतुर लोग गरीबों को दबाकर रखें। हमने संविधान में यह कहा है कि हर एक व्यक्ति को बराबरी का मौका दिया जाएगा। बराबरी का मतलब यह नहीं कि एक आदमी को दूसरे से 20 गुना वेतन मिले। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि विदेशों के लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, इसलिए हमको भी यह सोचना चाहिए कि हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। कानून पास कर देने से कुछ होने वाला नहीं है, इससे आप इंसान को ईमानदार नहीं बना सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सोशल जस्टिस हो, तभी देश तरक्की कर सकेगा। देश को सफल बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकता है, और उनको सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि हमारी योजनाओं में मालिक मजदूर दोनों का सहयोग हो। मेरा निवेदन यह है कि हमारे मुल्क की जो व्यवस्था है उसमें आज उसको यह प्रोत्साहन नहीं मिलता है, इसलिए देश का हित इसी में है कि हम आमदनी को बांध दें। आप देखेंगे कि तेल उद्योग प्राइवेट सेक्टर में है। हम कहते हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर को भी उन्नत करना है, लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है? हमारे देश के कारखाने विदेशों से आने वाले तेल को साफ करने के लिए भी तैयार नहीं होते। इस तरह से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को असफल बनाने की कोशिश प्राइवेट सेक्टर वाले करते हैं। जब तक आप निश्चित नीति नहीं बनाएंगे तब तक देश की प्रगति संभव नहीं है, इसलिए आपको चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर का राष्ट्रीयकरण करें। इससे बहुत बड़ी राशि देश के विकास के कार्यों पर लगाई जा सकती है, और प्राइवेट सेक्टर की मुनाफाखोरी से पर्दा पैदा होने वाला काला धन भी कम हो सकता है। जिस परिस्थिति में आज हम हैं,
उसी परिस्थिति में हम नहीं कह सकते कि आप कभी भी रहे होंगे। हर एक नागरिक को उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज की परिस्थिति में तो यह और भी ज्यादा जोर देकर कहा जा सकता है कि यदि आप परिस्थितियों पर काबू पाने में असफल हो गए तो आप कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। देश की परिस्थिति, आपकी अपनी पारिवारिक परिस्थिति, आपकी आर्थिक परिस्थिति और आपकी सामाजिक परिस्थिति पर काफी प्रभाव डाल सकती है। जिस देश की राजनीतिक परिस्थितियां ठीक होती हैं, उस देश के नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति भी ठीक रहती है। देश में विषम परिस्थितियां हो तो आपकी अपनी घरेलू परिस्थितियां भी विषम हो जाती हैं, क्योंकि महंगाई अपना सिर उठाने लगती है। हम नहीं कह सकते कि इनका कारण शासन की दुर्बलताएं हैं। आखिर शासन भी तो हम लोग ही चलाते हैं। जब हमने यह कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है तो कुछ असामाजिक तत्व अथवा व्यवसायी जीवन की आवश्यक सामग्री को जुटाने में लग जाते हैं, वे यह नहीं सोचते कि इसका क्या असर हमारे देश के लोगों की आर्थिक परिस्थिति पर पड़ेगा। हम चाहते थे कि देश में ऐसे समाज की स्थापना हो जिसमें सभी लोगों को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं सुलभ हों और सभी लोग देश के प्रति अपना कर्तव्य समझें। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि ऐसे समाज की कल्पना में अभी पर्याप्त समय लगेगा, क्योंकि मेरा निवेदन यह है कि जब तक देश से हम गरीबी को दूर नहीं करेंगे तब तक यह कल्पना साकार नहीं हो सकेगी। देश से गरीबी तभी दूर हो सकती है जबकि जमाखोरी, नफाखोरी जैसी प्रवृत्तियां खत्म हो जाएं। ये आदतें तभी खत्म हो सकती हैं जबकि हर एक नागरिक देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझे। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए। हर स्थान पर अधिकतर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ को ध्यान में रखकर ही काम करते हैं। उनकी आदतें इतने वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी नहीं बदली हैं। मेरा यह निवेदन है कि जब तक नागरिक अपने मूल कर्तव्यों को नहीं समझेंगे तब तक समाजवादी समाज का निर्माण संभव नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस दिशा में पग उठाए जाने चाहिए और शिक्षा के लिए ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं जिनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात हमारे देश के नवयुवक और नवयुवतियां देश के प्रति, समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य एवं अपने जिम्मेदारियों को अनुभव करें। ऐसा करने पर ही मैं समझता हूं कि हम एक आदर्श समाज की स्थापना करने में सफल हो सकेंगे जो विषमताओं से दूर होगा और राष्ट्र निर्माण में भी सहायक होगा। मेरा निवेदन है कि सभी नागरिकों को राष्ट्र निर्माण को अपना लक्ष्य समझना चाहिए। सदियों से हमारे देश की यही परंपरा रही है और राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रभक्ति की भावना से इस देश में नागरिक ओतप्रोत हैं। स्टॉप।